हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू जागरण हाईटेक। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के नए फोन्स के बारे में, यानी कि फ्लैगशिप फोन्स के बारे में जो कि भारत में लॉन्च हो चुके हैं। सैमसंग ने लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस। हमारे पास जो फोन है वो है नोट 10 प्लस यहाँ पे, और इसके बारे में हम आपको काफी विस्तार से बताने वाले हैं। पर इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। सैमसंग ने नोट 10 प्लस को थिनर बनाया है देन द नोट 9। यस, ये फोन काफी थिन हो चुका है और काफी बड़े डिस्प्ले के साथ भी आता है। एक सेंट्रल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है इसके फ्रंट में, और रियर से अगर बात करें तो जो हमारे पास कलर है वो ऑरा ग्लो कलर है, जो कि अलग अलग लाइट में अलग अलग रंग ऑफर करता है। काफ़ी यूनिक सा कलर है ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस पे। बट अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले ऑफर किया है सैमसंग ने अपने डिवाइस पे। थोड़ा सा कर्व भी करता है साइड पे, एज भी देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि एज पे आपको हमेशा थोड़ी बहुत ऐप्स देखने को मिली हैं सैमसंग गैलेक्सी S6 के टाइम से। तो नोट 10 प्लस में भी ये थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी बेहतरीन है इसके। और कहा जा सकता है कि वन प्लस 7 प्रो का डिस्प्ले वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज टू कम आउट इन 2019, बट सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस भी काफ़ी दूर नहीं है उस डिस्प्ले से। तो ये वीडियो थोड़ा हैंड्स ऑन ही है, पूरा रिव्यू हम बहुत जल्द देखे आएंगे जागरण हाईटेक पे। पर आपको बात बताएं इसके कैमरास के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं 3 कैमरास रियर में, बट एक चौथा हिडन कैमरा भी है इसमें, जो कि आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करता है। अगर कैमरा की बात करें तो काफ़ी पावरफुल कैमरा ऑफर किया है सैमसंग ने ऑन द गैलेक्सी नोट 10 प्लस। और जो सैमसंग गैलेक्सी की नोट सीरीज़ है वो डिफर करती है सैमसंग एस सीरीज से अपने एस पेन के लिए, और सैमसंग ने ऑफर किया इसमें काफ़ी खूबसूरत एस पेन, काफ़ी इम्प्रूव्ड एस पेन भी है, और आपको कई सारे नए फीचर्स ऑफर करता है एस पेन द मोमेंट यू टेक इट आउट ऑफ द फ़ोन। इसमें जो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स सैमसंग ने दिए हैं वो ये भी दिए हैं कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करें इसके बटन को तो इसका कैमरा स्ट्रेट अवे खुल जाता है, एंड आप एयर जेस्चर्स के थ्रू इसका कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल्फी खींचनी हो तो वहाँ पे आपको ये एस पेन काफ़ी काम आएगा। यही इसका एक मात्र जिसे कहें अमेजिंग फीचर नहीं है, कई और चीज़ें करता है एस पेन, बट उसके बारे में अगले वीडियो में। ये थोड़ा सा स्नीक पीक दे रहे हैं हम आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में। बैटरी की अगर बात करें तो सैमसंग ने बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी है गैलेक्सी नोट 10 पे। इसमें आपको मिलती है एक 4300 मिली एम्पीयर बैटरी, और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक लेटेस्ट एक्सिनॉस प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है, और साथ ही साथ इसमें एक गेम बूस्ट मोड भी दिया गया है, ताकि अगर आप फोर्टनाइट या फिर पबजी खेलते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद होगी। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 काफ़ी बढ़िया रहे, इनफैक्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये फ़ोन। हो सकता है मैं अपने आईफोन से शिफ्ट होके गैलेक्सी नोट 10 पे अगले कुछ महीने पोस्ट डालूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आर फुल रिव्यू ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। कैसा लगा आपको ये हैंड्स ऑन हमारा? काफ़ी छोटा सा हैंड्स ऑन था, बट मेजर चीज़ें हमने आपको बता दी है एक तरीके से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में। बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड यस, जो मेरे पास फ़ोन है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 80,000 रुपये से स्टार्ट होता है ये फ़ोन, तो क्या आप खर्चेंगे उतने पैसे बताइए हमें कॉमेंट्स में।